कमल के कमाल का सिलसिला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तरह ही नगर निकाय चुनाव में भी जारी रहे, इसका माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को और शनिवार को गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में जाएंगे। 2 दिन में 4 जिलों में चुनावी तैयारियों को परवान चढ़ाते हुए सीएम 4 चुनावी जनसभाओं को और 2 विशेष सम्मेलनों में हुंकार भरेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने और नागरिकों से पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल परिसर में चुनावी जनसभा का संबोधन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि देश व प्रदेश के चौमुखी विकास में नगर निकाय चुनाव का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशियों की जीत से इस विकास कार्य को और बल मिलेगा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा और MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, मेयर पद प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखे उनका स्वागत करें। आदरणीय रविकिशन शुक्ल जी से अनुरोध करेंगे कि आवे और आज के अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी प्रत्याशी महापौर एक गड़गड़ा के ताली महापौर प्रत्याशी जी के लिए, क्योंकि पहली बार गोरखपुर के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चिकित्सक एक डॉक्टर महापौर के प्रत्याशी के लिए दिया। नेवर हैपेंड बिफोर, पहली बेर हो। जमीन के भीतर से ले जाइए, वायर लटकल ना देखा, हर चीज पोल्यूशन फ्री हो रहा है। आप इस वार्ड को निर्वाचित पार्षद को और वार्ड के सभी मतदाताओं को दुगनी ताकत से, अगर पिछली बार मतदान का प्रतिशत 50 था, इस बार 70% मतदान यहां पर होना चाहिए, तब आपका निर्वाचन सार्थक होगा। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। नगर निकाय चुनाव 760 नगर निकायों में, 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिकाएं हैं, 545 नगर पंचायतें, इनमें चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव पर हमारा जोर इसलिए है क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो पैसा देगी केंद्र से प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लखनऊ से हम लोग जो पैसा देंगे, उस पैसे का इस्तेमाल बिना भेदभाव के हर गांव, हर गली, हर शहर, हर वार्ड और हर नागरिक के हित में हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का अनुकूल बोर्ड बने, इसके लिए मेहनत की जा रही है, जिससे लिए मैं आप ही सबसे अपील करने के आया हूं। मैं चाहता हूं कि यहां से आप लोग, वैसे भी जब हम लोग कैंडिडेट ले लेते हैं, मैं विधानसभा चुनाव में स्वयं ही चुनाव में अपने लिए एक भी दिन प्रचार करने नहीं आया, मैं प्रदेश भर में प्रचार करता था। 1-2 दिन मुझे अन्य राज्यों में भी जाना पड़ा, लेकिन तब भी आपने मुझे स्वयं गोरखपुर से 1,05,000 वोटों से चुनाव जिता करके भेजा गोरखपुर नगर से, क्योंकि यहां का हर मतदाता हमारे चुनाव को अपना चुनाव मानता है। और जब आप लोग यह अपना तो देते हैं, तो इसलिए मुझे भी आपकी समस्या को अपनी समस्या मानना पड़ता है, उसका समाधान करने के लिए जी तोड़ करके उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकालना। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि चुनाव डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी जीतेंगे, कोई संदेह नहीं होगा, लेकिन चुनाव भारी बहुमत से जीते कि लोगों को लगना चाहिए कि गोरखपुर का एक एक मतदाता विकास चाहता है और विकास
विकास के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करता है, ये देखना चाहिए। बोर्ड पुल मेजोरिटी का बोर्ड बनना चाहिए। आज तो नगर निगम का सदन भी इतना अच्छा बन गया है, लोगों को लगता है कि गोरखपुर नगर निगम का सदन ऐसे लगता है जैसे मिनी विधानसभा हो। आज जाइए ना, कितनी शानदार बिल्डिंग बनी है। सीताराम जी के नेतृत्व में नगर निगम की इस बिल्डिंग ने अगले 100 साल की यात्रा तय कर दी है। गोरखपुर महानगर जब एक बड़ा महानगर के रूप में होगा, 50 लाख की आबादी का महानगर होगा, तब तक की कार्य योजना अब नगर निगम से तय होनी चाहिए। और इस दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज देश बदल चुका है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उड़ा है। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, भारत प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर और भारत की तरफ पूरी दुनिया देखती है। अभी सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए, जिसमें 31 लोग तो केवल गोरखपुर मंडल के थे, दुनिया जब तक सोच ही रही थी तब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नागरिकों को सुरक्षित पहुंचा दिया। वे लोग कल ही गोरखपुर वापस आए हैं और लगातार कार्य हो रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को, उससे पहले यूक्रेन और रूस में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस करने के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम। इस तरह से कोविड काल में भी महाराज जी ने जिस तरह से कोविड का मैनेजमेंट हम लोगों से करवाया, जिस उनके कुशल नेतृत्व में हम लोग सभी ने इस भार को संभाला और पूरे प्रदेश की और देश की जनता को मुफ्त कोविड की वैक्सीन निःशुल्क लगाई गई, मैं समझता हूं कि ये सब एक विकास के नए आयाम हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हाथों को और मजबूत करके हमारे इस निगम नगर निगम के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा पार्षद हमें नगर निगम में पहुंचाना है, जिससे एक अच्छा बोर्ड बन सके और हम सुगमता पूर्वक इन कार्यों का निर्माण कर सके। का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं मंच पर उपस्थित सांसद एवं पंचासीन सभी नेताओं के प्रति एवं यहाँ पर उपस्थित सभी जनता जनार्दन के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। जय हिंद, जय भारत।